गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग्स। और सुबह हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नहा के आके किचन में सबसे पहले मैं चाय बनाने के लिए रखती हूँ, क्योंकि मम्मी जो है ना मुझसे पहले ही आज नहा चुकी है, मुझे लेट हो गया नहाने में। तो मम्मी जब तक पूजा करती है तब तक पहले चाय बना लूँगी। ये देखिए मैंने चाय रख दिया है, चाय बना लूँगी क्योंकि मम्मी नहाने के बाद सबसे पहले चाय ही पीती है और ब्रेकफास्ट बाद में करती है, चाय और बिस्किट्स पहले खाती है, तो पहले इसीलिए मैंने चाय रख दिया। तो चलिए चाय पहले बना ले जल्दी जल्दी, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस कुछ कहने की बात नहीं है। आइए इस तरफ से दिखाती हूँ तो ठीक रहेगा, मैं चाय भी बनाती रहूँगी। ये देखिए अदरक वगैरह सब कूट के रखी हूँ, ये सारा कुछ चाय में जाएगा। पहले ये ब्लैक पेपर डाल देते हैं एंड ये चाय की पत्तियाँ। और इसमें जब उबाल आ जाएगा तब मैं अदरक इलायची वगैरह इसमें डालूंगी। अब फैमिली ब्रेकफास्ट करने के बाद ना आज मुझे घर भी जाना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ जबकि रहना है मुझे, मैंने बताया था ना भाई ही लोग ट्रिप पे जा रहे हैं और माँ भी बीमार है, तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। तो जा रही हूँ अपने कपड़े वगैरह लाने, क्योंकि मेरा रहने का तो प्रोग्राम था नहीं, बस पार्टी में जाना था उसके बाद वापस जाना था। तो आदि का स्कूल बैग और अपने डेली वेयर क्लोथ्स वो सारा कुछ भी मैं लेके नहीं आई थी, तो वो सभी कुछ आज लेके आ जाऊँगी, क्योंकि आज रात की ही फ्लाइट है भाई की, वो लोग चले जाएंगे भाई भाभी, तो यहाँ माँ के पास मुझे रहना होगा। निक्की तो अभी नई नई आई है, वो इतना नहीं संभाल पाती है, तो वो अकेली पड़ जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ रुक जाऊँगी जब तक भाई वापस नहीं आते हैं। तो काम है बहुत ज़्यादा फैमिली, और चलिए पहले बना लूँ उसके बाद घर चलेंगे। और धूप तो इतनी तेज़ है कि बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। आज ही नहीं जाऊंगी तो फिर कल तो समय ही नहीं मिलेगा जाने का, क्योंकि आज तो भाभी है तो वो संभाल लेगी जब तक मैं आती हूँ वापस, रात की फ्लाइट है उनकी, और इसके बाद समय नहीं मिलेगा कि मैं जाऊँ कपड़े लेने। तो एक बार ही मैं चाय नाश्ता वगैरह बना लूँ फिर ब्रेकफास्ट करके मैं चली जाऊँगी आज बेलेघाटा। तो चलिए पहले काम कर लूँ, मेरा ट्राइपॉड भी यहाँ नहीं है, अब जाऊँगी तो ले कर आऊँगी तो थोड़ा ढंग से कर भी पाऊँगी ब्लॉग। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस हाथ से पकड़े पकड़े पॉसिबल ही नहीं होता है। तो चलिए पहले फटाफट ब्रेकफास्ट और चाय बना लेते हैं, फिर आगे का ब्लॉग दिखाएंगे आपको। फैमिली चाय बनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी आटा वगैरह गूंधा, सब्जियाँ काटने लग गई, लेकिन ब्लड प्रेशर लो हो गया था शायद, और उसके वजह से मुझे चक्कर सा आने लगा, अंधेरा होने लगा, तो फिर मैं जल्दी से जाके रूम में बैठ गई। और चलिए फिर बताती हूँ आगे का। फैमिली आटा गूंथ रही थी और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि अंधेरा सा होने लग गया फिर लो प्रेशर के वजह से। तो ये पापा ने देखा तो पापा ने कहा कि ठीक है तुम नहीं बनाओ, इतनी गर्मी भी ज़्यादा है, मैं जाके बाहर से कचौड़ियाँ ला देता हूँ नाश्ते के लिए। तो पापा गए सबके लिए ले आए, इसीलिए आके बैठ गई हूँ। और मम्मी नहीं खाएंगी कचौड़ी तो मम्मी के लिए जा रही हूँ कोई भी भाजी, और आटा तो गूंथ के रखी ही हूँ तो थोड़ा सा दो पराठा सेक दूँगी और कोई भाजी, लेकिन थोड़ा सा कैसा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो इसीलिए थोड़ा सा आके दो मिनट बैठ गई हूँ। इसके बाद फिर जाती हूँ किचन में और फटाफट कोई भाजी बना के पराठा बना के मम्मी को दे दूँगी। तब तक चाय बिस्किट माँ को दे चुकी हूँ, वो खा रही है, तो चाय बिस्किट खाने देते हैं, उसके बाद फिर दवा खाना होता है, तो थोड़ा टाइम है 10 मिनट, उसके बाद मैं फटाफट बना देती हूँ। और निक्की भी अब आ चुकी है किचन में नहा के, तो मैंने निक्की को बोला है कि कोई भी हरी सब्ज़ी काट दो, तो वो काट रही है वहाँ पटल, और वो काट लेती है तो मैं जाके बना देती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैं सोच रही हूँ पता नहीं मैं रास्ते में कैसे जाऊँगी और कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए, पता नहीं आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। ऊपर से मेरे पैर में तो इतनी स्वेलिंग हुई पड़ी है कि दर्द से बुरा हाल है पैर का भी, लेकिन क्या करूं,
अब मम्मी बीमार है तो पहले मम्मी को तो देखना ही है। तो चलिए थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद जाके मम्मी के लिए नाश्ता फटाफट बना के मम्मी को नाश्ता दे दूँ, और उसके बाद मैं भी कचौड़ी सब्जी और चाय पी लेती हूँ, आदि को भी खिला लूँगी, और उसके बाद फिर चलूँगी बेलेघाटा। आदि की क्लास आज ऑनलाइन है तो उसकी क्लास ही चल रही है, ये देखिए उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। यूनिफॉर्म भी नहीं था तो विदाउट यूनिफॉर्म वो कैमरा ऑफ करके क्लास अटेंड कर रहा है। अब आज जाऊंगी तो उसकी स्कूल ड्रेस, उसके स्कूल बैग, कॉपी किताब सब कुछ लेके आ जाऊंगी। और न्यू टीचर जो लगाई थी वो ट्यूसडे से आने वाली थी, लेकिन अब उनको भी मना करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ आ जा रही हूँ, 8-10 दिन का टूर है भाई का, तो जब तक वो लोग आ नहीं जाते मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो अब देखूँ, उनको भी कॉल करूँगी कि नेक्स्ट मंथ से पढ़ाइए आप, छोड़ देंगी तो वो भी मुसीबत, इतनी मुश्किल से तो मिली थी एक टीचर, क्या जो करूँगी पता नहीं। देखती हूँ उनसे रिक्वेस्ट करके कि नेक्स्ट मंथ से पढ़ाना है आपको, और देखूँ क्या बोलेंगी वो। और गिटार जो सर हैं, गिटार सर का भी तो एब्सेंट हो ही जाएगा इस वीक पूरा ही, और क्या करूँ, फीस भी देना पड़ जाता है, और अगर एब्सेंट मेरी तरफ से हो रहा है तो फिर उनकी भी क्या गलती है। लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। 1 तारीख को केक का एक ऑर्डर भी है, वो भी लगता है कैंसिल ही होगा, क्योंकि यहाँ रहूँगी तो यहाँ से माँ को छोड़ के वापस बेलेघाटा जा के केक बनाना पॉसिबल भी नहीं होगा। मेरा तो सर ऐसा घूम रहा है ना, यहाँ के आई हूँ मैंने कंघी तक नहीं किया और भाग गई थी किचन में, देखिए पूरा बाल भी बिखरा पड़ा और सर भी भारी सा हो रहा है, दर्द हो रहा है। एनीवेज चलिए अब जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और ये देखिए पापा नाश्ता ले आए, तो फटाफट सबका नाश्ता मैंने सर्व कर दिया और सबको दे दिया नाश्ता, सब लोग अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। और इसके बाद मैं फटाफट, निक्की ने सब्जी काट दिया था तो थोड़े से पटल की भाजी मैं जल्दी से बना रही हूँ मम्मी के लिए, और बस 2 पराठा सेक दूँगी, आटा तो गूँथा हुआ है ही, तो जल्दी से पटल की भाजी और 2 पराठा बना के मम्मी को भी नाश्ता दे देंगे तो सबका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरी तबीयत जो ऐसा बिगड़ी हुई है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँ बेलेघाटा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं बेलेघाटा ठीक से पहुँच जाऊँगी, तो बाहर जा के फिर गिर विर गई, तो इससे अच्छा है कि आज मैं बेलेघाटा जाना कैंसिल ही कर दूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बस खाना वाना किचन का जो भी है वो बना के आज थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर किसी और दिन टाइम मैनेज करके देखूँगी, जाके ले आऊँगी कपड़े वगैरह। और ये देखिए बातों बातों में भाजी भी बन गई और 2 पराठा भी मैंने सेक लिया, तो चलिए अब मम्मी को भी नाश्ता दे देते हैं फटाफट। और ये देखिए मैं भी अपना नाश्ता लेके अब बैठ गई हूँ, नाश्ता और चाय, और चलिए मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। फैमिली ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे चक्कर सा आने लग गया था और बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी कि मैं बाहर जाऊं, और अजीब सा तबीयत ख़राब था तो फिर मैं लेट गई, और लेटी जो हूँ फिर सो गई मैं, एकदम से नींद आ गई मुझे, पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है सूजन के वजह से, तो तबीयत ठीक नहीं थी। लंच में भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, निशा और निक्की ने मिलके दाल चावल बनाया था और मैं तो सोई रह गई। फ़िलहाल अभी उठी हूँ, उठ के थोड़ा सा मैंने चावल दाल खाया है, और अभी भी तबीयत एकदम ठीक नहीं है, और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतना हीट वेव लू चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर जाऊँगी तो बेलेघाटा में ढंग से पहुँच जाऊँ, मुझे चक्कर आ जाएगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। और कल आदि का स्कूल भी है, यूनिफॉर्म और बुक्स के वगैरह, तो स्कूल भी एब्सेंट ही होगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है कि मैंने आदि से बात किया तो उसने कहा ठीक है मम्मा आप रेस्ट लीजिए, स्कूल एब्सेंट हो जाएगा, मैं अपने फ्रेंड्स से नोट्स सारे ले लूँगा जो भी पढ़ाई हुई है। तो फिलहाल मैं फिर से जा रही हूँ, सो जाऊँ थोड़ा आराम करूँ, और इसी रूम में मैं सो गई थी बिना एसी के भी, इतनी ज़्यादा गर्मी में भी, क्योंकि दूसरे वाले रूम में जहाँ एसी चल रहा है वहाँ मामा जी भी आए हुए हैं, तो पापा भी ऑफिस जा नहीं रहे इतनी गर्मी से, तो मामा जी पापा वो लोग सब बेड पे सो रहे हैं, यहाँ तक कि खुद मम्मी ही नीचे सोई हुई है अभी मैंने देखा जाके,
तो जगह भी नहीं थी, फिर मैं यहाँ सोई थी तो एक बार यहीं सोई रह गई। और अब देख रही हूँ, जा रही हूँ, मैट वैट डाल के बेड के नीचे ही घुस जाऊँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो जा रही हूँ उसी रूम में अब सो जाऊँगी और देखते हैं शाम को फिर आगे का, कुछ मन किया तो व्लॉग बनाऊँगी। और ये देखिए शाम हो गई है और भाई भाभी लोगों के जाने का टाइम हो गया है फ़्लाइट का। खुशी दही चीनी खा रही है, इसके बाद ये लोग निकलेंगे सब। देखिए बाय करते हुए, और इसके बाद खुशी, निशा, भाई सब लोग निकल गए। ये देखिए शिवदा आए हैं, वो लगेज सारा ले जा रहे हैं कार में डालने के लिए। और चलिए ये लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। तो अब जब तक भाई लोग नहीं आते हैं तब तक मुझे यहीं रहना है माँ के घर पे। प्रॉब्लम बस आदि के स्कूल और पढ़ाई की हो जाएगी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। फैमिली शाम हो चुकी है और भाई भाभी ये लोग तो सब निकल गए अपनी ट्रिप के लिए। फ़िलहाल अभी मैं किचन में आई हूँ डिनर के लिए, तैयारी करने के लिए। निक्की भी है साथ में तो वो भी हेल्प कर रही है। तो अभी एक सब्जी, रोटी और थोड़ी सी सेवई बनाऊँगी डेजर्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और देखा था आपने ना, सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी और शाम में तो फीवर भी आ गया। तो एक पैरासीटामोल भी खाई हूँ, फिर चाय पी हूँ, तो अभी थोड़ा ठीक हूँ। अब बना लेती हूँ खाना जल्दी जल्दी और आपको भी दिखाऊँगी साथ ही साथ। ये देखिए मसालों की तैयारी मैं कर चुकी हूँ, मसाले तैयार हैं, इसका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ दूध रख दिया है सेवई के लिए। चलिए आगे का काम करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फैमिली बेसन की सब्ज़ी बना रहे हैं, बेसन के इस तरह से पकौड़े तल के। इसे हमारे घर पे शकरपाला कहते हैं, काफ़ी जगहों पे काफ़ी नामों से इसे बताया जाता है, इस सब्जी को, बेसन की सब्जी। आप बताइएगा तो आपके तरफ इस तरह की सब्जी को क्या कहते हैं, कमेंट में आप मुझे बताइएगा। ये देखिए इस तरह के पकौड़े तल लेंगे और इसके बाद इसकी एक करी बनाई जाएगी। ये रहे मसाले। मेरे चैनल पे, दूसरे वाले चैनल मेरा की पैशन ऑन प्लेट में भी इसकी रेसिपी है अपलोडेड, लेकिन वो प्याज वाली है और आज क्योंकि एकादशी है तो आज बिना प्याज लहसुन के बन रहा है। ये प्योर वेज वर्जन है उसी सब्जी का। तो रेसिपी अगर किसी को चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, शकरपाला की। दूसरे चैनल का नाम है मेरा की पैशन ऑन प्लेट, वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसकी रेसिपी। फ़ैन ऑन है फैमिली, इसीलिए ये साउंड आ रहा है। गर्मी इतनी तेज़ है ना, तो बिना फ़ैन के हो ही नहीं रहा है। काफ़ी गर्मी है इधर कोलकाता में। आप लोगों के तरफ बारिश हुई कि नहीं बताइएगा कमेंट में। हमारे यहाँ तो अभी तक नहीं हुई है, काफ़ी गर्मी है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर भी आया हुआ है कि 28th-29th तक इसी तरह हीट वेव चलेंगी, तो घर से बाहर बहुत ज़रूरी ना हो तो नहीं निकले, ऐसा एक सर्कुलर भी आया है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आप समझ ही सकते हैं, और किचन में फ्लेम के सामने खड़ा होना, इसीलिए फ़ैन ऑन करके ही मैं वॉइस दे रही हूँ। हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो आवाज़, एनीवेज। और दूसरी तरफ निक्की रोटी की तैयारी कर रही है, निक्की साथ में है तो फटाफट दोनों मिल के बना लेंगे। चलिए सब्जी हो जाए फिर आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए करी हमारी रेडी हो गई, बस उबाल आ जाए तो ये पकौड़े डाल देंगे। बहुत ही लाइट कम मसालों के साथ बना रही हूँ, इसीलिए आप कलर देख के समझ ही रहे होंगे, बहुत लाइट ग्रेवी बन रही है। और देखिए इसमें उबाल आने ही लगा है और इसमें डाल देंगे पकौड़े। बस 2 मिनट पकौड़े बॉयल होंगे और सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी, और इसके बाद बना लेंगे रोटी। साथ में मैंने यहाँ सेवई बनाया है तो ये डिनर हो जाएगा। चलिए अब डाल लेते हैं पकौड़ियों को, बॉयल होने लग गया है। और बस ये बॉयल हो जाएगा 1 से 2 मिनट, तो इसमें आधी चम्मच घी डाल देंगे, बस ये रेडी हो जाएगी। डिनर का काम सबने डिनर कर लिया, आज का काम सारा ख़त्म हो गया। अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं फैमिली। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू व्यूवर्स जितने भी हैं जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर आपसे कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।